हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर का मैथ्स का हाफ ईयरली का जो पेपर है वो किस टाइप का रहेगा, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंपिटेंसी कौन सी रहेगी और टोटल जो आपका कितने मार्क्स का रहेगा। सो टोटल आपकी चार कंपिटेंसीज यहाँ पर होती हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कम्प्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब जो आपके 10-10 मार्क्स की रहती हैं। एंड टोटल जो है आपका पेपर ये 40 मार्क्स का रहेगा और 2 आवर्स का रहेगा। देन उसके बाद जो है इन सब में जो है 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 1 मार्क्स का होगा, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, एंड देन एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा सब में जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं। अब ट्राई देखते हैं कि नॉलेज में कौन से मीन्स जिन चीज़ों का आपको पता है, जस्ट आपको लिखना है वो। हाउ मैनी फेसेज इन ऑल डज अ ब्रिक हैव, एक ब्रिक में कितने फेसेज होते हैं, 6। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, इज इक्वल टू 1000। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2-2 मार्क्स के हैं। ड्रॉ अ लाइन, अब आपको अपना स्केल लेना है और उससे लाइन ड्रॉ करनी कितनी, 5.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका स्केल होगा, जैसे कि आपका स्केल है, सो यहाँ पर आपको 5.2 वहाँ चेक करना होगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो लाइन आपको वहाँ पर ड्रॉ करनी होगी जितनी वो 5.2 होगा उतनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से यहाँ तक ही आपका 5 हो गया, सो वो आपको ड्रॉ करनी होगी वहाँ पर। ना वैल्यू ऑफ 18 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, अब 10 रुपीज़ के 10-10 रुपीज़ वाले आपके पास 18 नोट हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, मीन्स आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, सो टोटल कितना हो जाएगा, 180 रुपीज़। नाउ द कॉस्ट ऑफ अ ब्रिक इज़ रेट 2, अब एक ब्रिक जो है उसका प्राइस है 2 रुपीज़, सो 200 ब्रिक का प्राइस कितना होगा। अब एक ब्रिक का 2 रुपीज़ है तो 200 का फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको 2 से, सो 0, 0 एंड 4, सो कितना हो जाएगा 200 ब्रिक का, 400 रुपीज़। नाउ अंडरस्टैंडिंग आ गया, सेम जो है 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। ड्रॉ अ स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक, सो जो सबसे छोटा फेस होता है ब्रिक का वो आपको ड्रॉ करना है, जैसे ये हो गया, या फिर इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सो जो छोटा फेस है वो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर ब्रिक का। नाउ इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन, कितना किलोमीटर वो रन करते हैं। ओके, किलोमीटर में बताने, ये ऑलरेडी मीटर में दिया है, सो इसके लिए हमने वो किया था कि हमें कैसे करना है, हमें एज इट इज़ वो लिखना है, एंड देन क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट काउंट करना है, बिकॉज 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, सो 3 0 है, इसलिए हम 3 डिजिट काउंट करते हैं पीछे से, 1, 2 एंड 3, और वहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं। सो ये जो आगे आपका ये किलोमीटर है और पीछे मीटर्स है, यानी कि 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर वो जो है टोटल वहाँ पर रन करते हैं। अब नेक्स्ट है आपको क्लॉक बनानी है, वहाँ पर ये टाइम शो करना है, सो ये क्लॉक हम यहाँ पर बना देंगे, एंड देन हमें टाइम शो करना है, सो सबसे पहले हमें टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 12, 13, 3, 6 एंड 9, सो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11, सेम यहाँ पर भी करेंगे, 7, 8, 10 एंड 11। अब जो है हमें जो है इस पर हैंड बनाने हैं उसके, सो 9:30, सो 9:30 क्या होगा, जो आपका आर्स एंड होगा वो 9 और 10 के बीच में रहेगा, और जो वो मिनट हैंड होगा वो 6 पर होगा। ठीक है, मिनट हैंड क्या होते हैं आपके, 5, 10, 0 से शुरू होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, एंड जैसे ही वो 12 पर आता है सो 0, 0 हो जाता है। सेम यहाँ पर हमें 5:45 AM शो करना है, सो देखो यहाँ पर जो आपकी क्लॉक होती है उसमें 2 बार सब चीज़ें आती हैं, सो इनको मीन्स अलग से एम पी एम हम नहीं शो कर सकते, अगर 24 आवर क्लॉक होता तो उसमें हमें शो करनी पड़ सकती हैं। नाउ 5:45 है, सो 5 एंड 6, मतलब 6 के लगभग वो पास रहेगा, एंड 45 मीन्स 9, यानी कि आर्स एंड आपका 5 एंड 6 ईयर क्लोज टू 6 रहेगा, एंड 45 के लिए 9 पर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम 3:35, अब 3:35 से उसे कहाँ जाना है, 3:50 तक, सो उसे कितना टाइम लगेगा, ये देखो अभी ये 35 है और ये 50 है, सो कितना टाइम लगा, 5 मिनट्स 10 एंड 15, सो कितना टाइम लगा उसे, 15 मिनट्स। अब ये चीज़ यहाँ पर चेक करनी होगी कि AM है या PM है, अगर AM और PM है, यानी कि यहाँ AM है और एक तरफ PM है, तो ज़्यादा टाइम होगा, अगर सेम है तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पर हमें प्राइस लिस्ट दी है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ पोटैटो, अब 1 kg पोटैटो का प्राइस क्या है, 12 रुपीज़, सो 3 का क्या होगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, सो 36 रुपीज़।
अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ अनियन। अनियन में 1 kg का प्राइस है 10 rupees, और 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितना दिया है उससे, मीन्स जितना आपको फाइंड आउट करना है, जो नंबर वहाँ पर दिया है उससे जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ये जो रेट दिया, ये प्राइस दिया कितना है पर केजी के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ कैरेट। सो 1 kg कैरेट का प्राइस कितना है, 16। सो 5 kg का क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है 5 से, सो डैट इज़ 80 rupees। नाउ व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ पटेटो, 2 kg ऑफ अनियन एंड 5 kg ऑफ कैरेट, यानी कि क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है 20 and 80, 6 and 5, 36, 136 rupees जो है टोटल प्राइस रहेगा इन सब चीज़ों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एबिलिटी टू कंप्यूट, यानी कि यहाँ पर आपके प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब क्वेश्चन रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन अर्न 30 rupees इन अ डे, एक दिन में अगर वो 30 rupees जो है अर्न करता है, सो 10 days में वो कितना अर्न करेगा। सो एक दिन में अगर 30 rupees है, 10 days का फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना हो गया, 300। अब सेम जो है 1 month का फाइंड आउट करना है, सो एक दिन में 30 rupees है, सो 1 month में कितने डेज होते हैं, 30 days, सो कितना हो गया, 900 rupees, जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जर्व द क्यूब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, जब भी आपको इस तरह से डाइस दिया हो, तो उसका जो अपोजिट नंबर होगा ना, जैसे 2 है, 2 के जो अपोजिट नंबर होगा, तो इन दोनों का एडिशन आपका 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है, तो इसके अपोजिट में जो भी नंबर होगा 5, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 7। अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो कि 4 है, तो वो गलत होगा। यानी कि अगर आपको अपोजिट नंबर किसी का फाइंड आउट करना है, तो आपको देखना है कि इस नंबर में हमें कितना और ऐड करना है कि 7 हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने दे दिया नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ अ क्यूब एड अप टू 7, 7 होना चाहिए। विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट ऑफ 3, अब 3 में क्या ऐड करेगी वो 7 बनेगा, सो 4, 5, 6 and 7, सो 4 नंबर हमें ऐड करने हैं, सो आएगा इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 4। नाउ नेक्स्ट है, विच नंबर विल बी एट द बॉटम, बॉटम यानी कि नीचे कितना होगा, ऊपर है 1, सो 1 में कितना ऐड करेगी वो 7 बनेगा, 6, सो यहाँ पर होगा 6। नाउ अब ये जो दिया है, इसको आपको 24 आवर में शो करना है, सो जो am है वो एज इट इज़ रहेगा, उसे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। सो जहाँ पर भी am है उसे एज इट इज़ रखना है। अब इवनिंग आ गया है, सो जैसे ही 12 होता है, उसके बाद pm हो जाता है, और pm के बाद में जैसे 1 होगा, तो वो 13 हो जाता है। सो इसी तरह से 6 है, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, 6, 8 hours, और यहाँ पर हम जो आर लिखते हैं, am pm नहीं लिखते 24 hours में, 10:35, सो 22:35 hours। अब 5:15 o'clock इन द आफ्टरनून, सो आफ्टरनून की बात हो रही है, यानी कि इवनिंग ही हो गया एक तरह से, सो ये हो जाएगा आपका 17:15। नाउ राइट दिस डेट इट नंबर, सो नंबर में लिखना है, जैसे कि 106, जून कौन सा महीना होता है, 6 month होता है, सो ये नाउ 30/05/2009, 10 August 2008, मीन्स आपको मंथ पता होना चाहिए कौन सा मंथ होता है वो, 17/07/2017। नाउ अब आपको बताना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें हमें पहले रीड करना है, देन उसको सोल्व करना है। प्रॉब्लम एक तरह से हमें दी गई है, 5 rupees है, तो उसमें कितने पैसे होंगे, 1 rupee में होते हैं आपके 100 paise, सो 5 rupees में कितने होंगे, 500। अब करना है इन दोनों को ऐड, सो जब भी इनको ऐड करना हो, सो जो डेसिमल है उसको यहीं रखना है, एंड देन डेसिमल के आसपास वालों को चेंज कर देना है, मीन्स डेसिमल के नीचे डेसिमल, और जो उसके आगे हैं उनको आगे, और जो पीछे हैं पीछे, एंड देन नॉर्मल जैसे आप ऐड करते हो वैसे ऐड करना है। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ 1 can ऑफ पेप्सी इज़ 250 ml। वॉल्यूम क्या है, मीन्स एक बोतल है या कैन है, उसके अंदर 250 ml आपका पेप्सी या कोई भी लिक्विड आता है, पानी आता है, या कोई भी एक बोतल है जिसके अंदर इतना पानी आपका आ सकता है, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 10 कैंस में कितना होगा, सो 10 के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 10 से, 0, 0, 0 and 0, 5, 2, 2, 5, 0, 0 ml, सो इतना ml जो है उसमें आपका पेप्सी या जो भी लिक्विड है वो आएगा। अब हमें इनको फिर से ऐड करना है, सो मिलीलीटर को मिलीलीटर से 6, अभी हो गया 13, सो 1 आपका आगे कैरी हो जाएगा, 3 and 1, 4, 5, सो
54 लीटर्स एंड 362 मिलीलीटर्स। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये मैप दिया है पूरा का पूरा और इसमें से हमें आंसर बताना है। फर्स्ट है राइट डायरेक्शन टू रीच अंकित हाउस फ्रॉम द शॉपिंग मॉल। अब शॉपिंग मॉल कहाँ है यही, और हमें पहुँचना है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्ट्रेट जाना है एंड देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब ये हमारी पोजिशन हो जाएगी तो हमें राइट, तो हमें राइट जाना है यहाँ पर स्ट्रेट एंड देन राइट। नाउ बैंक इज अपोजिट टू, अब बैंक किसके अपोजिट है, यानी कि बैंक के सामने क्या है, राजू का घर है। पार्क इज नियरर फ्रॉम, अब पार्क जो है किसके घर के पास है, पार्क कहाँ है यहाँ पर, तो राजू के घर के पास है या अंकित के, सो डेट इज अंकित। शॉपिंग मॉल इज फार फ्रॉम, अब शॉपिंग मॉल किसके घर से ज़्यादा दूर है, सो राजू के घर से, क्योंकि अंकित के घर से तो पास है और राजू के घर से क्या है ज़्यादा दूर है, सो आंसर विल बी राजू। सो ये थे आपका पेपर जो आपका हाफ ईयरली रहेगा, इस टाइप के आपके क्वेश्चन रह सकते हैं और आपके फर्स्ट 7 चैप्टर जो हैं उसमें आएंगे, फर्स्ट टू 7 तक के, तो उनको आपको रिवाइज करना और आपका पेपर इस तरह का रहेगा। टोटल 40 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट होगा एंड 20 मार्क्स का MDP जो आपने ऑलरेडी बना कर दिया है उसी को आगे कंटिन्यू करना है, 20 मार्क्स का होगा वो। सो ये था आपका पेपर, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।